हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं मोती सन्स ज्वेलर्स के बारे में। करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं, हमारे ही मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो। इंडेक्स व्यू के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल अगर हम देखें, साइडवेज चल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था इसमें, और अभी भी सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो अभी नेगेटिव जाने वाला है या साइडवेज होने वाला है, तो बाइंग के लिए प्लान मत करिएगा। मैंने टॉप से ही आपको कहा है, पहले मैंने बाइंग दिया था आपको 200 रुपये के आसपास के लेवल्स पर। ये जब रेड कैंडल बनाया था तभी मैंने आपको कहा था कि रेड कैंडल जरूर है, लेकिन ये सिर्फ पॉज कैंडल है। सपोर्ट जो इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इसने किया है, उसके ऊपर पॉज कर रहा है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, अच्छा मोमेंटम बनेगा, पहले टारगेट हमारा करीब 248 होने वाला है, देन यहाँ पर आकर ये पॉज लेता है। तब भी मैंने सेम एनालिसिस फिर से रिपीट किया था कि जिसने बाइंग मिस किया है वो अभी भी ट्राई कर सकता है बाय करने का। अभी भी आप इसको बाइंग करने के लिए प्लान कर सकते हैं। वहां से ब्रेकआउट आता है, फिर मोमेंटम होता है। इस टॉप के आसपास मैंने मना किया था आपको कि बाइंग करने के लिए अब प्लान मत करिएगा 320 के ऊपर, क्योंकि 320 से लेकर जो 380 का लेवल होने वाला है ये इसका रिस्की जोन होगा। यहां से आपको या तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, या फिर इसी रेंज में आपको स्टॉक वॉलेटाइल और साइडवेज मिल सकता है। तो लोगों को इतना पेशेंस भी नहीं है कि यहां पर ये बाइंग आया, ये बाइंग आया, उसमें ही नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक चीज समझो, मैंने आपको जब यहां पर बाइंग दिया है, यहां पर बाइंग दिया है, यहां पर मना किया है, तीनों एनालिसिस जब सही गए हैं तो थोड़ा सा तो कम से कम पेशेंस रख सकते हो। अभी तो पॉजिटिव भी नहीं गया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस रेंज में चला गया। ये 20% का रेंज है, 320 से लेकर करीब 380, 15-20% का रेंज बनता है। मतलब इसमें जाएगा तो पता नहीं लोग क्या करेंगे, राइट? तो एक चीज समझो, मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा है, इसका वैल्यूएशन जाकर देखो अभी के टाइम में। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंटम होगा, लेकिन करेंट लेवल पर नहीं होगा। हुआ क्या है, अगर आप देखोगे सितंबर के आसपास शेयर किया था आपको, सितंबर से आज हम नवंबर स्टार्ट हो गए और नवंबर भी पूरा हो सकता है निकल जाए और इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो या तो ये साइडवेज जाएगा, या अगर मोमेंटम देता भी है तो यहां पर ये वॉलेटाइल रहेगा, ये ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है। मैंने तब भी कहा था एक महीने बर्बाद आप अपना कर चुके हो और शायद कुछ लॉस में होगे, कोई कुछ में होगा वहां पर, लेकिन फिलहाल इसमें मोमेंटम अभी मुझे नहीं दिखता है। आने वाले टाइम में ब्रेकडाउन जरूर कर सकता है, सेलिंग दे सकता है। अगर सेलिंग देता है तो 250 के आसपास, 230 के आसपास, यहां पर अगर कहीं पर रिवर्सल हमें देखे तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी करेंट लेवल पर बाइंग करोगे तो ये रिस्की जोन है। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, हाई रिस्क लेते हैं, तो प्लान करिएगा इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने का, जो कि 325, 320 का लेवल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही आपको एक मोमेंटम मिलेगा जो शायद कंटिन्यू कर सकता है 380 के लेवल तक, जो कि हमारा फाइनल टारगेट भी होने वाला है। तो अगर आप रिस्क लेते हैं तभी प्लान करना, अदरवाइज इसमें सिर्फ गैम्बलिंग के लिए प्लान मत करना, बहुत गंदा फंसोगे। अभी कुछ मेंबर्स ने मैसेज किया भी था, आई थिंक एक किसी और उस स्टॉक के लिए जो मैंने सेम टाइप से, इसी टाइप से दिया है, पहले बाइंग दिया था अभी सेलिंग दिया है, उसमें आई थिंक राधिका था, वो राधिका ज्वेलटेक था। तो किसी मेंबर ने कमेंट किया भी है कि मेरा इतना लाख का लॉस है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज है। तो सेम कंडीशन में जो मोमेंटम कर चुका है उसमें फायदा नहीं, 200 से ऑलरेडी ये 300, 350 चल रहा है, और वैल्यूएशन भी अगर आप अभी देखोगे तो ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन पर जा चुका है। तो आगे जो भी मोमेंटम होने वाला है वो रिस्क पर होगा, वो नॉर्मल मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो फिलहाल आने वाले टाइम में मेरे अकॉर्डिंग 250, 230 यहां पर, या फिर अगेन हमें 200 के आसपास मिल जाता है तो ये तो बेस्ट लेवल हो जाएगा बाइंग करने के लिए, अगर ये रिवर्सल देता है। तो अगर इसमें रिवर्सल बनना है या शॉर्ट टर्म में बाइंग करना है, 240, 200 का वेट करना चाहिए। यहां पर आकर अगर कोई भी रिवर्सल दिखाता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें स्प्लिट भी आने वाला है, स्प्लिट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहां पर 8 नवंबर का है, ठीक है, 1:10 का स्प्लिट है। तो स्प्लिट का अभी न्यूज बहुत चलेगा अभी के टाइम में कि स्प्लिट आने वाला है तो बढ़ेगा, स्प्लिट आने वाला है तो बढ़ेगा। एनबीसी से जाकर चेकआउट कर लेना स्प्लिट का, ठीक है, मैंने आपको कहा था। सेम चीज इसके साथ है, स्प्लिट में कोई डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, तो स्प्लिट के रीजन से बाइंग आएगा ऐसे चांसेस बहुत कम है, ये चीज याद रखना। लेकिन स्प्लिट के बाद सेलिंग जरूर आ सकता है, वो जाकर आप एनबीसी से चेक कर लेना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।